চিংড়ি পটলের দোরমা ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেমাস বেঙ্গলি রেসিপি। একদম স্বাদি গরজাস আর টেস্টি চিংড়ি পটলের দোরমা রেসিপি আজ হাম আপকে সাথ শেয়ার করেঙ্গে, জিসে আপ গরমা গরম চাওয়াল ইয়া ফির পুলাও কে সাথ ট্রাই কর সকতে হ্যায়। বিনা দেরি কিয়ে চিংড়ি পটলের দোরমা ইয়া ফির প্রন পরবল দোরমা রেসিপি বানানা স্টার্ট করতে হ্যায়। पोटल चिंगड़ी दोरमा बनाने के लिए चाहिए परवल। ये डिश बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा बड़ा साइज का परवल यूज करने की। परवल के छिलके को इस रेसिपी में पील नहीं करना है, एक छुरी के मदद से घिस लेना है। अभी फ्रेश पानी से अच्छी तरह से धो लेना है। परवल के मुंह को थोड़ा ज्यादा पोर्शन लेके कट कर लेना है। देखिए मैं यहाँ सभी परवल को एक साइड से कट कर लिया हूँ। अभी एक पीलर या फिर चम्मच के मदद से परवल के अंदर में जो सीड पोर्शन है उसको अलग करना है। इस तरह से सभी परवल के अंदर वाला पोर्शन को साफ कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में परवल के सीड्स, थोड़ा किशमिश, ग्रेटेड कोकोनट एंड 2 ग्रीन चिली एंड थोड़ा सा कोकोनट वाटर लेके स्मूथ पेस्ट बना लेना है। अभी परवल के स्टॉक बनाने के लिए चाहिए ऑनियन एंड प्रॉन, जिसको हम अच्छी तरह से धो लिया हो। कढ़ाई में वेजिटेबल ऑयल गर्म होने के बाद सभी परवल को फ्राई कर लेना है। ऊपर से हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर देके अच्छे से फ्राई कर लेना है। अभी परवल के बचे हुए पोर्शन को भी इस स्टेप में फ्राई करने के लिए डाल देना है एंड लो फ्लेम में 2 मिनट के लिए कुक कर लेना है। 2 मिनट बाद देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अभी तेल से अलग कर लेना है। कढ़ाई में बचे हुए तेल में प्रॉन को नमक हल्दी के साथ फ्राई कर लेना है। इस स्टेप में परवल की स्टफिंग रेडी करेंगे। कटे हुए प्याज डाल देना है, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डाल के मिक्स कर लेना है। परवल सीड्स के जो पेस्ट बनाए थे उसे इस स्टेप पे डाल देना है। वन टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून शुगर, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। वन फोर्थ टीस्पून गरम मसाला डाल के मिक्स कर लिया हूँ। बस अभी स्टफ रेडी हो गया है। स्टफ ठंडा होने के बाद एक छोटा सा चम्मच के मदद से परवल के अंदर में स्टफ डाल देना है। हल्के हाथ से ये स्टेप करना है। परवल के मुंह को टूथपिक के मदद से बंद कर देना है। देखिए एक एक करके सभी परवल के स्टफिंग कंप्लीट कर लिया हो। नेक्स्ट स्टेप है ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए मैं यहाँ पहले एक पेस्ट बना लूंगी। 2 टीस्पून काजू, 2 टीस्पून मगज डाल के स्मूथ पेस्ट बना लेना है। अभी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करती हूँ।
ग्रेवी बनाने के लिए 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल के तेल गर्म होने पे तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च डाल देना है। खड़े मसाले में दालचीनी, इलायची, 1 टेबलस्पून जीरा डाल दिए। ऑनियन पेस्ट 2 टेबलस्पून डाल के अच्छे से मिक्स कर लिए। हाफ टी स्पून जिंजर पेस्ट, हाफ टी स्पून गार्लिक पेस्ट ऐड किए। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी के साथ भून लेना है। वन टी स्पून शुगर को ऐड किए। अभी 1 मीडियम साइज टोमेटो के साथ 2 ग्रीन चिली लेके स्मूथ पेस्ट बना लेना है और इसको डाल देना है। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टी स्पून क्यूमिन पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिए। गरम पानी ऐड किए, अच्छे से मिक्स कर लेना है। ग्रेटेड कोकोनट 1 टेबलस्पून डाल के अच्छे से भून लेना है, जब तक ना मसाले से तेल अलग हो जाए। अभी काजू मगज के जो पेस्ट बनाए थे उसको इस टेप में डाल दिए एंड अच्छे से मिला लिए। हल्का बॉईल आने पे परवल को एक एक करके डाल दिए। ढक के लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए कुक कर लिए। बस रेडी हो गया स्टफ्ड प्रॉन परवल और चिंगड़ी पोटले तोरमा। गर्मा गर्म चावल या फिर पुलाव के साथ आप इंजॉय करें। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। फॉर मोर अपडेट द बे लीफ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।